नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कांगड़ी और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कांगड़ी रॉक्स में। हवाई यात्रा आज के इंटरनेट के युग में उतनी ही सरल है जितने की बस या रेल में यात्रा करना। तो गाइस, हमारी इस हवाई यात्रा की शुरुआत होती है चंडीगढ़ के जीरकपुर से। फ्लाइट का डिपार्चर टाइम अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से हमने नाइट स्टे जीरकपुर में किया था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जीरकपुर की दूरी 9 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी से आधे घंटे में तय किया जा सकता है। एयरपोर्ट में एंटर होते ही आपके लगेज की चेकिंग होती है, जिसमें कि कभी कभी काफ़ी समय भी लग जाता है। इसीलिए ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आपका बोर्डिंग टाइम आपके डिपार्चर टाइम से काफ़ी पहले रखा जाता है। आपके लगेज की चेकिंग होने के बाद आपको बोर्डिंग जोन तक पहुंचना होता है। आपका बोर्डिंग जोन आपके बोर्डिंग पास में ही लिखा रहता है। यहाँ पर आपके बोर्डिंग पास को चेक करने के बाद आपको एंट्री दी जाती है। फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से आधा घंटा पहले हमें बस द्वारा फ्लाइट तक ले जाया जाता है। यहाँ पर फिर से आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है। हर फ्लाइट में दो एंट्री गेट्स होते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी गेट से फ्लाइट में एंट्री ले सकते हैं। फ्लाइट में दाखिल होते ही आपको आपका अपना सीट नंबर ढूंढना होता है, जो कि आपके बोर्डिंग पास में ही लिखा रहता है। हमारी भी यह पहली हवाई यात्रा थी, इसलिए हमने विंडो सीट बुक करवाई हुई थी। विंडो सीट बुक करने के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं, जिन्हें हो सके तो आप ध्यान से सुन और समझ ले। और इसके बाद शुरुआत होती है आपके हवाई सफर की। फ्लाइट टेक ऑफ के समय आपको हल्के हल्के एक या दो जर्क्स महसूस होंगे। एरोप्लेन के नॉर्मल हाइट गेन करने के बाद आप स्टेबल महसूस करेंगे। यह रोमांचक दृश्य एरोप्लेन के टर्न लेने के समय का है। खिड़की के बाहर झांकने पर आप खुद को बादलों से काफी ऊपर पाते हैं। हमारी हवाई यात्रा चंडीगढ़ से बेंगलुरु तक 2500 किलोमीटर की थी, जिसे कि हमने 3 घंटों में तय किया था। आपको यह यात्रा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपनी फ्लाइट के टिकट्स अमेजोन ऐप से भी बुक कर सकते हैं, और आपको आपका बोर्डिंग पास आपकी होस्ट एविएशन कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। पायलट की इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको चेकआउट करना होता है। हेलो गाइस, हेलो। अभी हम बैंगलोर पहुंच चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है। हमने यह यात्रा मार्च में की थी, इसलिए हमें चंडीगढ़ के मुकाबले यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह बेंगलुरु भी एक प्लेन शहर है, और यहाँ के लोग अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।